नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू हुए यातायात महीने को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। हर जगह ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के साथ साथ कैमरे पे भी पैनी नजर रखी रही है और इसके चलते अब तक ट्रैफिक विभाग ने सड़क पर नियमों की अनदेखी करने वाले 95,317 वाहनों का चालान काटा है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बन गया है। अब इतना ही नहीं, पुलिस ने 300 से ज्यादा वाहनों पर सीज की भी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने यातायात माह शुरू होने के 15 दिन के अंदर ही 95,000 से ज्यादा चालान काट दिए हैं और इसमें सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट पहनने वाले लोगों के हैं। इनकी संख्या 49,937 है, जबकि 9 पार्किंग के चालान 9,881 है। जिन वाहनों का प्रदूषण नहीं है उनका चालान भी काटा गया है और इनकी संख्या 4,491 है। इसके अलावा ट्रैफिक विभाग ने बिना इंश्योरेंस, बिना डीएल, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट, 3 सवारी बैठे हुए, वाहन चलाते वक्त फोन का प्रयोग करने वाले, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले, लाल बत्ती क्रॉस करने वाले वाहन, शराब पीकर ड्राइव करने वाले वाहन और काली फिल्म लगाकर चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही ट्रैफिक विभाग ने डग्गा मार यात्री बसों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 1 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक डागा मार यात्री बसों पर कार्रवाई की है। इनमें बिना फिटनेस और अन्य किसी तरीके की खामी के चलते ऐसी बसों के चालान काटे गए हैं। नोएडा में अब तक 5,640 चालान बसों के काट दिए गए हैं। अब इस संबंध में गौतम बुद्ध नगर डीसीपी ट्रैफिक अनिल यादव ने बताया कि यातायात माह के चलते ट्रैफिक पुलिस अपने अलर्ट मोड पर है। वाहनों का प्रयोग करते वक्त कोई भी किसी तरीके की गलती करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। डग्गामार यात्री बसों पर भी नकेल कसनी शुरू कर दी गई है। अब तक बड़ी तादाद में बसों के भी चालान काटे गए हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।